अस्सलामुअलैकुम, हेलो एंड वेलकम टू साकेदार। आज मैं आपके साथ थ्री इंग्रेडिएंट्स ओरियो केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इट्स अ वेरी इजी डेजर्ट टू मेक। इस लॉकडाउन में हम इसे अच्छे से बना सकते हैं, तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने दो बड़े पैकेट ओरियो बिस्किट के लिए हैं। इसमें मैंने मिक्स ओरियो बिस्किट्स लिए हैं। इसे हम अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे, इसका फाइन पाउडर बना लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे मिल्क। मिल्क हमें बहुत थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और साथ ही साथ हमें इसे ब्लेंड करते जाना है। अच्छे से इसे मिक्स कर लें, स्पैचुला से मिक्स करें, इससे बहुत ही अच्छे से मिक्स होता है। और बस हमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में करके मिल्क ऐड करना है जब ये फर्स्ट बैच अच्छे से मिक्स हो जाए, बहुत ज़्यादा थिक पेस्ट हो जाए, लम्प फ्री हो जाए, तब हमें और मिल्क ऐड करना है और फिर हमें और मिक्स करना है। फुल वन कप मिल्क इसमें कंज्यूम हुआ है बैटर में और इसे बस हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, इतनी थिक होना चाहिए ये बैटर, इतना थिक होना चाहिए। कुकर भी प्री हीट होने रख दिया है लो फ्लेम पे और देखिए बस हमें इतना ही थिक चाहिए था इसकी कंसिस्टेंसी। अब इसमें 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड किया है मैंने। और अगर आप बेकिंग पाउडर नहीं यूज़ कर रहे हैं, इनो भी यूज़ कर सकते हैं, तो इनो का आपको ब्लू या ग्रीन सैशे लेना है और वो पूरा एक सैशे डालना है इतनी क्वांटिटी में। इसे भी डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम अपने केक टिन को ग्रीस कर लेंगे। अंदर मैंने बटर पेपर लगाया है, उसे पहले भी ग्रीस किया था और अब वापस ग्रीस करेंगे। अगर आप बटर पेपर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप इस टाइम पे मैदा भी डस्ट कर सकते हैं और जो एक्सेस है उसे थ्रो कर दें। टिन अच्छे से ग्रीस हो गया है, अब मैं इसमें बैटर ऐड कर रही हूँ। अब टिन को डैप कर लेंगे ताकि बैटर हमारा अच्छे से सेट हो जाए और कुकर में इसे प्लेस कर देंगे। इस टाइम पे फ्लेम को हाई रखा है ताकि अच्छे से हीट आ जाए और कुकर को पहले से मैंने प्री हीट करने रख दिया था। 45 मिनट्स हो चुके हैं, अब हम केक को चेक कर लेते हैं टूथपिक डाल के। अगर हमारी टूथपिक वेट होगी तो इसका मतलब है हमारा केक रेडी नहीं है, तो हमें इसके एक्स्ट्रा टाइम देना होगा। टूथपिक एकदम ड्राई है, हमारा केक बिल्कुल परफेक्ट रेडी हुआ है। अब इसे निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे, रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। जब तक हमारा केक ठंडा हो रहा है, हम इसकी टॉपिंग के लिए चॉकलेट गनाश रेडी करते हैं। इसके लिए लिया है मैंने 1/2 कप मलाई, इसे लम्प फ्री कर लिया है। अगर आप चाहें तो अमूल की क्रीम भी ले सकते हैं। और इसमें ऐड करेंगे कैडबरी, मैंने इधर 2 बार लिए हैं कैडबरी के। और इसे माइक्रोवेव करेंगे फॉर 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स में इसे थोड़ी देर 1 मिनट ऐसे ही रखेंगे ताकि और अच्छे से मेल्ट हो जाए और हम फिर इसे विस्क करेंगे। अब हम केक को अनमोल्ड करेंगे, प्लेट में ऐसे रखें, फिर इसे ऐसे फ्लिप करना है और पीछे से डैप करें। केक बहुत इजीली निकल आया है क्योंकि बटर पेपर था और देखिए कितना सॉफ्ट बन के रेडी हुआ है। और अगर आपका बटर पेपर नहीं निकले तो बहुत ही उसे संभाल के आप पुल करें। ऐसे मैंने रैक पे रखा है केक क्योंकि अब हमें इसके ऊपर चॉकलेट स्प्रेड करना है, तो नीचे आप कुछ प्लेट या कुछ रख लें ताकि जो एक्सेस ड्रिप हो तो उसी में आ जाए। हमें बस चॉकलेट को ऐसे ही पोर करना है और इसे अपने आप ही सेटल होने देना है, हमें कुछ भी मतलब स्प्रेड नहीं करना है इसको। ये अपने आप ही सेटल होगी, जो एक्सेस होगा वो ड्रिप होगा और हमारा चॉकलेट गनाश टॉपिंग रेडी है। केक हमारा रेडी है, अब इसे ग्रेटेड चॉकलेट के साथ गार्निश करेंगे। अब इसे कट कर लेते हैं। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्पॉन्जी केक बनके रेडी हुआ है और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें इस लॉकडाउन में। और जब आप इस रेसिपी को ट्राई करें तो मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।